नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब तक तो देखिए सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की खबरें आती थी, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने की खबरें आती थी, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की खबरें आती थी, लेकिन इस बार मंदिर को नुकसान पहुंचाने की खबर हमारे देश भारत से सामने आई है। बीते दिन जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मौजूद वासुकी नाग मंदिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देख देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुस्सा आ गया। जी हाँ, भारत जो कि हिंदू बहुल देश है, उसी की धरती पर मंदिर को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। वासुकी नाग मंदिर में देखिए तोड़फोड़ मचाई गई, मूर्तियों पर पथराव किया गया, हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए मंदिर में बाहर से लेकर अंदर तक जमकर तोड़फोड़ की गई। और जैसे ही उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया, पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि साधारण से दिखने वाला वासुकी नाग मंदिर कई मायनों में खास है, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने से पहले इसी मंदिर में पहली पूजा होती है। और इस कारण ये मंदिर देखिए लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। 11वीं सदी का ये वासुकी देव मंदिर भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के वास्तुकला और मूर्तिकला का अद्भुत नमूना तब देखने को मिलता है जब भक्तों को भगवान वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। 87 डिग्री पर झुकी हुई भगवान वासुकी नाग और राजा जमुन वाहन की मूर्ति एक ही पत्थर पर तराशी गई है, देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। और मंदिर से जुड़ी मान्यता ये कहती है कि वासुकी नागों के राजा थे, उनके माथे पर एक नाग मणि भी लगी होती थी। और इस मंदिर के बारे में ये कहा गया है, 1629 में बसोहली के राजा भूपल पाल ने भद्रवाह पर कब्जा किया था। बसोहली और भद्रवाह के बीच से छत्रगला से होकर बनी के पनियालक से होकर रास्ता गुजरता था। एक लोक कथा के अनुसार भद्रवाह की ओर जाते समय राजा भूपल पाल ने कैलाश कुंड का रास्ता अपनाया। राजा कुंड पार कर ही रहा था कि तभी बीच में वो विशाल नाग के जाल में फंस गए। राजा घबरा गए और उन्होंने नाग से माफी मांगी और कहा कि वो कुंड पार नहीं करेगा। नाग ने राजा के कान के छल्ले मांगे और बसोहली में उनका मंदिर बनवाने को कहा। राजा ने मंदिर के लिए मूर्तियां बनवाना शुरू किया। कहते कि मूर्तियां बनने में देरी हुई और राजा का मंदिर बनवाने का काम धीमा हो गया। एक बार राजा छत्रगला की ओर से वापस लौट रहा था, इस बीच उसे रास्ते में प्यास लगी। पास बने झरने में राजा ने पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, पानी के साथ उनका नाग देवता को दिया गया छल्ला भी आ गया। राजा ने यह छल्ला वापस कैलाश कुंड में चढ़ाया और कहा कि वो जल्द ही मंदिर का काम पूरा करवाएंगे। जिस कुंड में राजा ने छल्ला वापस डाला, उसका नाम वासक छल्ला पड़ा और आज भी लोग इस कुंड को वासक छल्ला कहते हैं। राजा अपने राज्य वासक डेरा में प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये मूर्तियां मंदिर तक नहीं पहुंच सकी। बताया जाता है कि मूर्तियां ले जाते समय रास्ते में डेरा डाला गया और मूर्तियां यहां से नहीं उठ सकी। जम्मू का इतना प्राचीन मंदिर देखिए, जिसका इतिहास, धार्मिक मान्यताएं और मंदिर से जुड़ी श्रद्धालु की असीम आस्था, इन सब के बीच मंदिर में हुई इस तोड़फोड़ से जहां देखिए हिंदुओं की भावनाएं आहत हैं, वहीं हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। पुजारी का कहना है कि जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, उन्होंने मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई पाई। मूर्तियां टूटी हुई थी, पथराव के कारण मूर्तियों के चेहरे खंडित हो चुके थे, और जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस घटना की पूरी सूचना दी। फिलहाल नागों के राजा वासुकी नाग के इस पवित्र धाम में तोड़फोड़ मचाने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, और जिसके चलते लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। अब सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में हुई इस घटना ने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि 370 की बेड़ियों से जम्मू कश्मीर को आजाद करने वाली मोदी सरकार डे वन से यही कोशिश में लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर को जैसे तैसे देश के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हर स्तर पर विकास कार्य हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, अमन चैन की हवा में लोग सांस ले पाए, आतंक की बजाय देखिए अमन का माहौल कायम हो पाए। और ऐसे में वासुकी नाग मंदिर को चोट पहुंचाने वाले गुनहगारों को का अब क्या होगा, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई अब आगे को देखने को मिलेगी, अब ये देखना बाकी है। आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे,
उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का यह पल है। आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया उसने इस आंदोलन में एक अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया, किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब आया हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास किया है। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई, हमारे नागरिकों के आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा भर दी और साथ साथ सुविधा भी बढ़ाई। कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई।